नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी, स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट को लेकर के धरना, सुबह मॉर्निंग में अपडेट मैंने दी थी कि जो एससीईआरटी है वहां से सभी छात्रों को इको गार्डन शिफ्ट कर दिया गया है और दूसरा दिन भी अनवरत धरना चलता रहा और वहां पर छात्र बल उनकी संख्या काफी जो है वो कम थी, इसलिए इतना प्रभाव पड़ना थोड़ा सा कम होता हुआ जो है वो दिख रहा है। वहां पर जो भी छात्र मौजूद थे उनके द्वारा और ज्यादा छात्रों को घर से निकलने को लेकर के मांग की गई और कुछ कोचिंग संस्थान से भी आह्वान किया गया कि पर्टिकुलर जो छात्र बल हैं उनके साथ जो है उस धरने स्थल पर आए ताकि जो धरना है उसको सफल बनाया जा सके। और छोटी सी वीडियो क्लिप भी आपको दिखाना चाहेंगे है कि धरना कराइए, धरना कराइए, शिक्षक भर्ती के बिना हम वापस नहीं आएंगे जब तक लिखित में आदेश नहीं मिल जाता है। पर यहाँ परिणाम आपके सामने है। ये चंद लोग जो यहाँ बैठे हैं बाराबंकी से, कौशाम्बी से, जौनपुर से, फतेहपुर से, क्या इन्हीं की मांग शिक्षक भर्ती है? यदि भर्ती आएगी तो क्या केवल यही उसमें मास्टर बन जाएंगे और किसी को मास्टर बनने का हक नहीं मिलेगा? पर आप लोग से मेरी यही अपील है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। यदि आपके एक शेयर से एक आदमी आ जाएगा धरने में तो हमारे जो 25 से 30 साथी यहाँ लड़ रहे हैं उनको एक पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा और उनका मनोबल बढ़ेगा, जिससे आगामी दिनों में हम लोग एक अच्छी लड़ाई लड़ सके। और आप सभी से बताना चाहूंगा कि ये धरना अनवरत चलेगा, चाहे ये आह्वान किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट करें। मेरा काम है एक माध्यम के जरिए सभी तक सूचनाएं पहुंचाना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो जुड़ सके कि हमारे धरना करें। इस ओवरऑल अपडेट में वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिएगा और लोग साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।